नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर रविवार 15 दिसंबर से वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। अगर कोई वाहन बिना फास्टैग के टोल प्लाजा की फास्टैग लेन से गुजरेगा तो दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि पहले एक महीने तक हर हाईवे पर एक चौथाई टोल बूथ पर नगद और फास्टैग दोनों से भुगतान हो सकेगा। इसके अलावा देश भर से टोल टैक्स पर टैक्स वसूली के अलावा जल्द ही पूरे देश में फ्यूल पेमेंट और वाहन पार्किंग चार्ज का भुगतान भी किया जा सकेगा। इसकी शुरुआत हैदराबाद है एयरपोर्ट से हो चुकी है। फास्टैग का संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जाता है। फास्टैग का नियम को करीब 45% लोगों ने अपनाया है। वहीं टोल मैनेजर मनीष कुमार इस बारे में भाजपा के कार्यकर्ता एवं प्रदेश कश्यप राजपूत सभा के अध्यक्ष बोले भाई हम नहीं देते टोल टैक्स, हम तो पहले भी फ्री निकले थे, अब भी न्यू ही निकलेंगे। 15 दिसंबर 2019 से सभी टोल टैक्स पर केंद्र सरकार के सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई अधिसूचना के आधार पर फास्टैग का नियम रात 12 बजे से ही यह अधिनियम लागू हो चुका है। इस बारे में घरोंडा के गांव बसाड़ा के नजदीक जीटी रोड पर से टोल टैक्स के मैनेजर मनीष कुमार ने इस संबंध में कहा कि अभी करीब 45% गाड़ियां पर फास्टैग लग चुका है और जो लोग अब इस अधिसूचना से अपरिचित हैं उन लोगों को हम समझा रहे हैं और लोग भी हमारी बातों को समझ रहे हैं। साथ ही मनीष कुमार ने बताया कि हाईवे अथॉरिटी की ओर से उनके पास कैश के लिए केवल एक लेन की अनुमति है, लेकिन ज्यादा भीड़ के चलते हमने हाईवे अथॉरिटी से दो लेन की परमिशन ली है, जिससे कि उन्होंने कैश के लिए दो लेन रखी और बाकी की लेन फास्टैग यूजर्स के लिए रखी गई है। इस बारे में जब हमने लोगों से बात करनी चाहिए तो कुछ लोग इससे नाराज दिखे, लेकिन कुछ लोगों ने सरकार के इस कदम को सराहा। इस बारे में भाजपा के कार्यकर्ता और कश्यप राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष जय भगवान कश्यप बोले कि सरकार के द्वारा टोल टैक्स पर लागू किया गया है यह नियम बिल्कुल गलत है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम तो पहले भी ऐसे ही जाते थे और अब भी ऐसे ही जाएंगे। आइए आपको बता दें कि फास्टैग से जुड़ी खास बात है कि यह कैसे काम करता है और इसे कहां से खरीद सकते हैं। यह एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है जिसे वाहन के विंडशील्ड पर लगाया जाता है ताकि गाड़ी जब टोल प्लाजा से गुजरे तो प्लाजा पर मौजूद सेंसर फास्टैग को रीड कर सके। वहां लगे उपकरण ऑटोमेटिक तरीके से टोल टैक्स की वसूली कर लेते हैं। इससे वाहन चालकों के समय की बचत होती है। वहीं एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश के 537 टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। फास्टैग को आप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से संचालित टोल प्लाजा, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत कई बैंक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेटीएम, अमेजोन डॉट कॉम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की माई फास्ट ऐप से इसे खरीद सकते हैं। फास्टैग खरीदने के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो, गाड़ी मालिक का केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इन सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी जरूर साथ रखें। नियम के मुताबिक किसी टोल पर स्कैनर में कोई खराबी आ जाती है और वह आपका फास्टैग स्कैन नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए वाहन चालक जिम्मेदार नहीं होगा। इस स्थिति में चालक को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा और वह फ्री में टोल से गुजर सकेगा। इसके लिए टोल पर बोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है जिससे जागरूकता फैलाई जा सके। फास्टैग से जुड़ी कई दिक्कतें जैसे फास्टैग का ठीक से स्कैन ना होना, फास्टैग का डैमेज या टूटना, या फिर अकाउंट में पैसे होने पर टोल नहीं दे पाने जैसी दिक्कतों को आप एक फोन कॉल के जरिए सुलझा सकते हैं। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके या फिर हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट www.ihmcl.com या फिर myfastata मोबाइल ऐप के जरिए फास्टैग से जुड़ी अपनी समस्या बता सकते हैं। देखिए घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की एक खास रिपोर्ट। जी मनीष साहब बताएंगे, आज जैसे लागू कर दिया गया फास्टैग, किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है अभी? दिक्कत की कि अभी भी हमारे पास जो भी गाड़ियां मूवमेंट है अपने टोल से, उसमें से 50% से ज़्यादा गाड़ियां कैश की, जबकि एज पर इंस्ट्रक्शन हमको 24% ही लेन ओपन करना है कैश के लिए। तो थोड़ी सी रात जैसा कि आप देखेंगे फास्टैग में दो गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो कैश लेन है अपने उसमें थोड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अपने तौर पर हम लोगों ने हैंडहेल्ड का व्यवस्था करके ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर लगा के ट्रांजेक्शन स्मूथ करवा रहे हैं, लेकिन चूँकि ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा। जो कैश लेन है वहाँ डबल चार्ज किया जा रहा है? नहीं, जो कैश लेन है उनका अपना मतलब यही है कि बस वो लाइन में जो लगे हैं वो उनके लिए वही परेशानी की बात है। हम वहाँ कैश लेन पे सिंगल ही टैरिफ ले रहे हैं,
जो बिना टैग की गाड़ियाँ फास्टैग लेन में आ जाएंगी उनसे हम लोग डबल टोल चार्ज। जो लोकल है उसके लिए क्या सुविधा की गई है? लोकल के लिए जो अपने 10 किलोमीटर के अंदर हैं उनको 150 का पास दिया जा रहा है। हम उसी फास्टैग में 150 का इनेबल कर देते हैं। जो 20 किलोमीटर के एरिया के हैं उनको 300 का कर रहे हैं, उसी फास्टैग में उनको अलग से पास बनवाने की ज़रूरत है। अभी अगर ओवरऑल की बात करेंगे जो हमारे टोल से गुजरती है उसमें 40 प्लस आज रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ये। हाँ, अब जिस तरह से जैसे पिछली बार ये दिया गया तो अब यही रिलैक्सेशन दिया गया, क्योंकि आज रात से हमको एक ही लेन कैश का रखना, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन NHAI से दिया गया कि ठीक है तुम 25% तक, क्योंकि अभी टैग की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो जब ये रिलैक्सेशन आ गया तब नहीं लगता कि कोई आगे रिलैक्सेशन। जी वीडियो साहब बताएं, टोल टैक्स पर आपकी ड्यूटी लगी है, किस तरह की आप परेशानी सामने आ रही है? इस तरह है कि 40% के लगभग फास्टैग हैं और 60% कैश वाले हैं, तो ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि भाई उनकी 8 लाइन छोड़ करके 4 इधर से, 4 अप 4 डाउन, बाकी फास्टैग के लिए रखी जाए। तो उससे थोड़ा था देखो 60% लोगों ने जब वो नहीं बढ़वा रखा फास्टैग तो सुविधा तो उनको होगी, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी उसके हिसाब से लोगों को खूब एक महीने से एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है और उसके बावजूद भी 40% लोगों ने किया है, तो सरकार की ये आज पहली बार है तो देखो सक्सेस होगी। और अभी सुबह से अब तक मेरी 7 बजे ड्यूटी चली हुई है, बिल्कुल पीसफुल चल रहा है, लोग समझाने से बांध जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो जैसे लोकल के लिए फ्री है वो अभी तक जारी है या बंद कर दिया गया उसको? नहीं, वो इसके बारे में क्या रूल है लोकल के लिए क्या है वो NHAI वाले बता सकते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं। अब बताएं जैसे फास्टैग चालू हो चुका है तो किस तरह की परेशानी सामने कुछ आ रही है या ठीक है? देखो ये तो सुविधा है और हमें तो हम इससे बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि हमारा डेली का अप डाउन होता है, पहले जो डेली अप डाउन करते थे उसमें ज़्यादा समय लगता था, मगर फास्टैग कंटिन्यू करने के बाद अब जो है समय की थोड़ी सी मतलब कमी लगती है टोल टैक्स प्रोसेस में। मानते हैं सरकार का जो डिसीजन लिया सही लिया है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड जी, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम जय भगवान कश्यप है, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ हरियाणा कश्यप राज पूसभा का। हाँ जी, और BJP का कार्यकर्ता हूँ। बताइए जो फास्टैग जो सरकार ने चालू किया है क्या मानते हैं आप उसको? हम तो गलत मानते हैं जी, हम लोकल आदमी हमने 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो हम देशी काम मुड़ जा रहेंगे। तो लोकल के लिए तो 150 रुपये में पास बना हुआ है, अब तो हमारा तो फ्री है फिर। नहीं फ्री वाली तो कंडीशन खत्म होगी ना जी 12 बजे से। मैं तो अभी भी फ्री निकल के कहा था भाई, ये देखा के अपने कार्ड नहीं फास्टैग बनवाना जरूरी है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट में। हम तो बनवाते हैं। अच्छा जी, ऐसे देख लो धक्के देख लोगे? धक्का तो क्यों लगना है, पीछे देख लेकर जाएंगे। जी नाम बताए पहले अपना। राजीव बोल रहा हूँ। राजीव जी बताएं क्या मानते हैं आप जो फास्टैग सरकार ने चालू किया है? ये चीज़ तो बढ़िया है जी, जल्दी फ्री होगा आदमी, पर फास्टैग लग जाए कोई लगे नहीं है। तो आपने फास्टैग बनवा लिया? जी मैं बनवाऊंगा जी बनवाऊंगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।